हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चीज़ी चिकन बोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। उसे अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और आधा कप दही। फिर उसके साथ 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में 1 नींबू का जूस निचोड़ देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्रिज में 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर और उसमें 2 टेबलस्पून मैदा को मिक्स किया है और उसे अच्छी तरह से भून लिया है। मैदा का कच्चापन जाने तक भूनना है, उसे वाइट ही रहने देना है, ब्राउन नहीं करना है। फिर उसमें 350 ml दूध धीरे धीरे ऐड करके मिलाते हुए वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। उसमें फिर स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। उसको ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रहनी चाहिए। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है। फिर उसमें मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने कलर के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद कवर करके सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। ये देखिए इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब जो वाइट सॉस हमने रेडी किया है वो इसमें धीरे धीरे ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसमें चीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ को ग्रेट कर दिया है और 1/2 कप मोज़रेला चीज़ भी ऐड किया है। फिर इसे ढककर चीज़ मेल्ट होने तक कुक करेंगे और उसके बाद ऊपर से हरा धनिया और साथ में चिली फ्लेक्स से गार्निश करेंगे। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ी चिकन बोटी रेडी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल इट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।